पंडित अमोद नारायण झा अमोद छाया वो तो हिंदी गीत परंपरा के महत्वपूर्ण गीतकार है। इनके गीतों में प्रकृति प्रेम मानवीय संवेदना और निश्चल मानव भाग्यों ने बड़ी सहज लाए है अभिव्यक्त तो हुई है। श्री झा कविता की एकांत साधना करते रहे गाम इनके ग्रंथों गीतों में प्रमाण वायु की तरह संभावित है। उत्तर छायावत में जो नवगीत जनावादी गीत और नई कविता के आंदोलन चले अमोद जी ने उन कविताओं से अपने को अलग रखा। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी ने इनके गीतों का दरदार बनाया। जनांदोलन जनाकांक्षा राष्ट्र निर्माण उद्योग और नवसापों को मुखारित करने वाले इनके गीतों ने कविता के वदनावर सजाए है। गीत ग्रंथ के प्रकाशन के साथ कवि की कृति को पंख मिल गए थे। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने मुक्त कर्ण के गीत गंध को सराहा था। इस गीत संग्रह में गीत के स्वरूप को अमोद जी ने नई शैली दी। वेदनाओं में नवीनता का चमत्कार भरा। रसबोध की नई भंगिमा से गीतों के सजाया सवारा। प्रख्यात कवि नागार्जुन ने भी गीत गंध की रचना के लिए गीतकार की प्रतिभा की प्रशंसा की। अदरी और कन्नड़ा वाले गीतों ने अनेक कविताओं का मुक्त किया। कर्मयोगी शिक्षक गीत में उद्दलित करने वाला यज्ञ स्मरणीय है। 1944 में रचित इनका प्रसिद्ध अभियान गीत बज रही बिगुल जग रहा नया बिहार इतना लोकप्रिय हुआ कि अनेक पत्रकारिताओं ने इसे छापा। कोसी तटबंध के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को इस गीत ने प्रेरणा दी और देखते देखते यह गीत लोक जीवन में समा कर जनक गीत बन गया।